तलाश तेज कर दी गई है और बदमाशों ने गार्ड को भी यहां पर बंधक बनाया था। तो हौसले बदमाशों के कितने बुलंद हैं आप इन तस्वीरों से, इस खबर से समझ सकते हैं। बस्ती से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर बदमाशों ने एक गार्ड को बंधक बनाकर इस घटना को अंजाम दिया है और स्टोन क्रेशर मशीन को काटने के दौरान क्रेशर मशीन में भीषण आग लगी हुई थी और आग लगने के बाद जो बदमाश थे वो मौके से फरार हो गए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्थानीय संवाददाता पुरुषोत्तम तिवारी जुड़े हैं। पुरुषोत्तम बताएं इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिल रही है। जी बता दें कि पूरा मामला एक स्टोन क्रेशर का है जहां पर देर रात्रि में करीब 25 से 30 बदमाश आए और वहां पर क्रेशर के पास में ऑक्सीजन के 8 सिलेंडर व 5 सिलेंडर ये रसोई गैस वाली लगता कि इसको ब्लास्टिंग करने का इरादा था, इसको काटे जा रहे थे लेकिन अचानक कोई चिंगारी से आग पकड़ ली और देखते देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। सूचना पर दमकल मौके पर पहुंची और करीब एक घंटे की कड़ी मक्खन से आग पर काबू पाया गया। दलीलबत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ इसके पीछे, हालांकि पुलिस कोई भी जवाब नहीं दे रही है। हालांकि जो पीड़ित पक्ष है उनका कहना है कि आपसी रंजिश है और करीब 25 से 30 बदमाश आए थे जो पूरी वारदात को अंजाम दिए थे और पीड़ित पक्ष ने पुलिस से मिलीभगत का आरोप भी लगा रही है। जी पुरुषोत्तम, बड़ा सवाल ये भी है कि आए दिन हम देखते हैं बदमाशों के हौसले बुलंद रहते हैं और इस तरह की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। जानना चाहूंगा पुलिस आखिर कहां चूक कर जाती है, क्यों इनके हौसले इतने बुलंद हैं और इन लोगों ने गार्ड को भी बंधक बनाया था। जी पूरे मामले में ये भी आ रहा है कि गार्ड को बंधक बनाया गया है, उसके साथ मारपीट भी की गई है। उसके बाद कंट्रोल से जैसे इतना मिली पुलिस हालांकि मौके में पहुंची है, उसको छुड़ाया भी है, सब कुछ हुआ। कहीं ना कहीं ये पुलिस की कमी जरूर कह सकते हैं, खामी जरूर कह सकते हैं, अगर पुलिस तत्पर रहे तो ऐसी कभी भी वारदात नहीं हो। चलिए शुक्रिया पुरुषोत्तम आपका जानकारी देने के लिए। तो कार्रवाई की बात पुलिस कह रही है, देखते हैं कब तक सफलता मिलती है। आग लगने की सूचना सर हमें थी घाट गेट फायर स्टेशन 2:23 पर हमें सूचना मिली कि हाथीपुरा में कृष्णा क्रेशर स्टोन पर आग लगी हुई है। मौके पर वहां पर देखा गया आग भयंकर थी, आग इतनी थी कि वहां पर 5 सिलेंडर एलपीजी गैस के और 8 सिलेंडर ऑक्सीजन के जब्त किए वहां से मौके से। अजमेर से एक और बड़ी खबर आ रही जहां पर आबकारी विभाग की कार्रवाई देखने को मिली है। सांसी बस्ती में हथकड़ शराब की भट्टियों पर कार्रवाई देखने को मिली है। 800 लीटर कच्ची शराब और 3 भट्टियां जब्त कर दी गई हैं, नष्ट कर दी गई हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर किस तरीके से शराब भट्टियों को नष्ट किया गया है, क्योंकि लगातार आए दिन इस तरह की अवैध हथकड़ शराब बनाने की सूचनाएं मिल रही थी और अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग के साथ कार्रवाई करते हुए जो शराब की भट्टियां थी उसे नष्ट कर दिया गया है। 800 लीटर कच्ची शराब को नष्ट किया गया है, 3 भट्टियों को भी नष्ट किया गया है। तो ये कार्रवाई बेहद ही महत्वपूर्ण, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं जो ये शराब हैं कई लोगों की जान तक ले लेती हैं और इनका कोई अपना मापदंड नहीं होता है। ये जैसे तैसे किसी भी पैमाने पर शराब तैयार करते हैं अपने जेब भरने के लिए, किसी की जान जाए उससे इनको कोई लेना देना नहीं होता है और इसीलिए ये जो आबकारी विभाग की कार्रवाई है बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ अशोक भाटी जुड़े हुए हैं। अशोक, ये कार्रवाई कितनी महत्वपूर्ण और अभी तक क्या अपडेट? जी बिल्कुल, दीपावली के और त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई बेहद महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी आबकारी विभाग ने इसी इलाके में कुछ दिन पहले दबिश दी थी जहां पर 2000 लीटर जो है वो उसको नष्ट किया था। इसके बाद फिर एक बार जो है आबकारी विभाग ने आज टीम पहुंचकर वहां पर पहुंची है। जो फरार आरोपी हैं, महिला आरोपी हैं, उनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी लेकिन वहां पर मालूम चला कि अवैध रूप से फिर से भट्टियां शुरू कर दी गई हैं, जिसके बाद आबकारी विभाग के जो निरीक्षक हैं उन्होंने जो है इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। करीब 800 लीटर शराब जो अवैध रूप से बनाई जा रही उसे नष्ट करते हुए 3 जो कच्ची भट्टियां हैं उनको भी नष्ट किया है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के दौरान यहाँ पे छुटपुट जो है विरोध का सामना भी आबकारी विभाग को करना पड़ा है। फिलहाल आबकारी विभाग अलग अलग स्थानों पर जो भट्टियां बनी है वहां पर कार्रवाई को अंजाम दे रहा है और आबकारी विभाग का ये मानना है कि अवैध रूप से जो भट्टियां चल रही है उन्हें जल्द से जल्द नष्ट किया जाए और अवैध रूप से जो दारू अलग अलग स्थानों पर बिक रही है जिससे आम जनता को नुकसान हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए लगातार कार्रवाई को अंजाम यहां पर दिया जा रहा है। अजमेर में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर लगातार जो है भट्टियां बनाकर अवैध शराब बेचने का जो सूचना लगातार आबकारी विभाग को मिलती रहती है, जिसके बाद यह कार्रवाई अंजाम दिया गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक अपडेट देने के लिए।
बढ़ते आगे जोधपुर से एक और खबर आ रही, जहां पर वेयर हाउस कारोबारी के घर पर डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। फूड डिलीवरी बॉय बनकर घर में घुसे थे बदमाश, पिस्टल की नोक पर परिवार वालों को बंधक बनाया, 3 मोबाइल, 1.5 लाख कैश आभूषण पर हाथ साफ कर दिया गया। शास्त्री नगर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो अपराध जो है वो लगातार बढ़ रहा है, लूट डकैती हत्या या जो भी किस्म के अपराध हैं वो बढ़ रहे हैं, और ऐसे में फूड डिलीवरी बॉय बनकर घर में बदमाश दाखिल हुआ और वेयर हाउस कारोबारी के घर में डकैती की वारदात को अंजाम दिया, पिस्टल की नोक पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि बदमाश परिवार वालों को पहले बंधक बनाया गया बदमाशों के द्वारा, और 3 मोबाइल, 1.5 लाख कैश जेवर पर हाथ साफ कर दिया गया। शास्त्री नगर पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। आम आदमी कितना महफूज है आप अंदाजा लगा सकते हैं, और किसी वारदात को अंजाम देना कितना आसान है ये भी आप समझ सकते हैं कि एक कारोबारी के घर पर किस तरीके से फिल्मी अंदाज में डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया है। पहले तो वेश बनाया गया, फूड डिलीवरी का किरदार अदा करते हुए वो घर में दाखिल हुआ, उसके बाद उसने अपना रूप दिखाया, अंदर दाखिल होकर उसने पिस्टल लहराई और परिवार वालों को डराया, धमकाया, उन्हें बंधक बनाया, 3 मोबाइल छीन लिया, 1.5 लाख रुपए कैश पर हाथ साफ किया गया, जो भी घर में जेवरात थे उन पर भी हाथ साफ किया गया। शास्त्री नगर पुलिस लगातार दावा कर रही है कि जल्द ही बदमाश को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो वेयर हाउस कारोबारी के घर में यह डकैती की वारदात देखने को मिली। अरुण हर्ष हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुट रहे हैं। अरुण, इस पूरे मामले में क्या अपडेट और कौन था वो बदमाश? कमलुद्दीन, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से जोधपुर में कल 10 घंटे से भीतरी दोनों ईस्ट जिला और वेस्ट जिले में जिस तरह से डकैती हुई है, ये पुलिस और प्रशासन पर कई सवाल करते हैं। 26 थाने लगते हैं जोधपुर कमिश्नरेट में, लेकिन शास्त्री नगर पॉश कॉलोनी है उस पर जिस तरह से लूट की गई थी, डिलीवरी बॉय बनकर 5 लोग वहां पहुंचे थे और चौपहिया वाहन में कार या किसी लग्जरी वाहन में आए थे और गन पॉइंट पर परिवार को बंधक बनाकर 1.5 लाख रुपये नकद लूट कर चले गए थे। हालांकि पुलिस अब कह रही है सीसीटीवी के माध्यम से हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे, लेकिन सुबह बैंक में डकैती होती है, शाम को मकान में डकैती होती है, और इस तरह से जो अपराधियों के हौसले बुलंद है, शायद पुलिस की जो नाकाबंदी और जो गश्त है उसमें कोई ढिलाई नजर आती है, और यही कारण है कि जो दोनों इस तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं। बड़ा सवाल ये भी है अरुण कि जब ये लोग घर में दाखिल हो रहे थे तो बताया जा रहा था फूड डिलीवरी के किरदार में घर में दाखिल हुए, तो क्या इस तरह की कोई उनको जानकारी थी, कोई ऑर्डर दिया गया था पहले से? कमलुद्दीन, इन्होंने जो डिलीवरी बॉय बनकर ये लोग पहुंचे थे, लेकिन घर वालों ने जब बिल्कुल मना कर दिया था, हमने कोई डिलीवरी नहीं दी है, लेकिन चैनल गेट को धक्का देते हुए ये लोग उसके घर के अंदर जबरदस्ती घुस गए थे, जिसके बाद घर वालों को गन पॉइंट पर बंधक बनाकर, क्योंकि घर में महिलाएं थी। बिल्कुल, ये खबर हमें सावधान करती है, ऐसे लोगों से हमें बचाती है और बचना भी चाहिए। अगर कोई अनजान है इस तरह की गतिविधियां कर रहा है तो हमें नजर रखनी चाहिए और हमें अपने स्तर पर भी सावधान रहने की आवश्यकता है। शुक्रिया आपका। जयपुर के करधनी इलाके में एक शव मिलने के बाद इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा हुआ। युवक की हत्या उसकी पत्नी और भाई ने की थी। हत्या के बाद शव को बोरी में बंद करके सुनसान इलाके में फेंक दिया गया था। दरअसल करधनी इलाके के गोविंद नगर में 9 नवंबर की शाम को एक शव मिला था। पुलिस ने जब इलाके का सीसीटीवी फुटेज निकलवाया तो उसमें एक महिला अपने साथी के साथ स्कूटी पर आती और बोरे को फेंक कर जाते हुए दिखाई दी, जिसके बाद पुलिस ने स्कूटी के नंबर ट्रेस किए। जांच के दौरान यह भी पता चला कि झोटवाड़ा इलाके से एक युवक शक्ति सिंह शेखावत भी लापता था। पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो यह पता चला कि शक्ति सिंह की पत्नी भी ऐसे ही स्कूटी का इस्तेमाल करती है जिस तरह की सीसीटीवी तस्वीरों में दिखाई दे रही थी। पुलिस ने शक्ति सिंह की पत्नी मंजू और उसके पुरुष साथी पंकज से सख्ती से पूछताछ शुरू की तो दोनों ने हत्या की बात कबूल कर लिया। गिरफ्तार महिला मंजू ने बताया कि उसका पति उसके चरित्र को लेकर शक करता था और उसके साथ मारपीट करता था, इसके चलते उसने पंकज के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और शव को 2 दिन तक अपने घर में रखा, उसके बाद बोरे में भरकर उसे फेंक दिया। तो इनकी पत्नी ने अपने एक पुरुष साथी को बुलाकर और उसके सहयोग से इनकी गला दबाकर हत्या कर दी। 2 दिन तक वो शव इन्हीं के घर में रहा, 2 और 3 को। 4 तारीख को इन्होंने बोरी को उस घर से बाहर निकाला। मंजू राठौड़ और उनके पुरुष साथी निवारू रोड पर करधनी थाना क्षेत्र के अंदर इस बॉडी को डंप कराए।
पुलिस ने दोनों को ही डिटेन कर लिया गया है, दोनों ही अरेस्ट कर लिए गए हैं। जो स्कूटी इसमें यूज की गई उस स्कूटी को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। बढ़ते आगे, कोटा में डेंगू अब जानलेवा साबित होने लगा है। कोटा में डेंगू ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। डेंगू के कहर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मात्र 2 महीने में 1000 से अधिक मरीजों की जांच रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव आ चुकी है। कोटा में डेंगू का डंक इस कदर बेकाबू है कि जयपुर के बाद कोटा में डेंगू के सबसे ज्यादा मरीज हैं। निजी अस्पताल समेत MBS अस्पताल के कई वार्ड डेंगू मरीजों से फुल हैं। वार्ड के बाहर गैलरी में भी मरीज भर्ती हैं। लगातार बढ़ रहे डेंगू के मरीजों के कारण MBS अस्पताल के ब्लड बैंक में SDP किट और RDP की किल्लत महसूस होने लगी है। कई मरीज दिन भर इंतजार के बाद बिना इलाज के ही घर लौट जाते हैं। डेंगू के केसेस डेफिनेटली बढ़े हैं।